वहीं प्रदेश में तीसरे राउंड का सीरो सर्वे शुरू हो रहा है। ज्यादातर जिलों में 20-20 जगह से सैंपल लिए जाएंगे। इन सैंपल में ये जांचा जाएगा कि कोरोना से ठीक हुए लोगों में कितनी एंटीबॉडीज बनी हैं और कब तक रही है। इस सर्वे का डेटा कोरोना से निपटने की आगे की रणनीति में काम आएगा। हरियाणा में कोरोना का कहर कुछ पहले के मुकाबले लगातार कम हो रहा है और धीरे धीरे लोगों का उत्साह और आत्मविश्वास जाग रहा है कि हम कोरोना से जीतेंगे। बाजार खुल गए हैं, सड़कों पर चहल पहल है और उम्मीद है कि जल्दी स्कूल कॉलेज भी खुलेंगे। इसका असर ये है कि प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग अब तीसरे राउंड का सीरो सर्वे कराने की तैयारी में है। वैसे मंगलवार को पानीपत जिले के अलावा कई और जिलों में भी सीरो सर्वे शुरू होना था, पर ऐन मौके पर इसे कल तक के लिए होल्ड पर रखा गया। पानीपत में कुल 20 जगह से 20 सैंपल लिए जाएंगे, 12 ग्रामीण क्षेत्रों के और 8 सैंपल शहरी क्षेत्रों से लिए जाएंगे। तीसरे राउंड का सर्वे सभी 22 जिलों में होगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ऑनलाइन इसका उद्घाटन कर सकते हैं। सर्वे के जरिए ये जाना जाएगा कि कोरोना के इलाज के बाद लोगों में कितनी एंटीबॉडीज बनी है, कितनों की बनी है, कब तक बनी रही है। ये डाटा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भी भेजा जाएगा और राज्य सरकार भी कोरोना के लिए आगे बनने वाली रणनीति में इसे शामिल करेगी। और कोरोना की तीसरी लहर की आशंका अगर सच साबित होती है तो उसके लिए भी ये डाटा काम आएगा। यानी कोरोना को अब हमने कंटेन और कंट्रोल कर लिया है, कंकर यानी इस पर जीत हासिल करना अभी बाकी है। आइए सब मिलकर ये काम करें। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ वीरेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।